लोग के बीच में यही कह के बैठा है कि नहीं तुम्हारा बतल है, तुम्हारी जन्मभूमि है, तुमको जो चाहिए था तुमको मालिक ने सब कुछ दे दिया है, अब जाके समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अपने लोगों की खिदमत करो। इसी मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जो जुर्म और जाति हो रही है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन था, किसानों को क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, उनको देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया और न जाने क्या क्या उनको आरोप लगाए गए। 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। वो आत्महत्या नहीं थी, वो मर्डर था, सरकार के द्वारा किया गया मर्डर था। यकीन कीजिए, हमारा किसान जो हमारा अन्न रहता है, हमको अन्न पैदा करके देता है, दिन रात मेहनत मशक्कत करता है, सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, आप लोग के बीच में यही कह के बैठा है कि नहीं तुम्हारा बतल है, तुम्हारी जन्मभूमि है, तुमको जो चाहिए था तुमको मालिक ने सब कुछ दे दिया है, अब जाके समाजवादी पार्टी की तरफ से आप अपने लोगों की खिदमत करो। इसी मकसद से मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है, हमारे प्रदेश को बर्बाद किया है, हमारे जिले को बर्बाद किया है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके किसानों के साथ जो जुर्म और जाति हो रही है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इतना बड़ा आंदोलन था, किसानों को क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, उनको देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया और न जाने क्या क्या उनको आरोप लगाए गए। 700 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। वो आत्महत्या नहीं थी, वो मर्डर था, सरकार के द्वारा किया गया मर्डर था। यकीन कीजिए, हमारा किसान जो हमारा अन्न रहता है, हमको अन्न पैदा करके देता है, दिन रात मेहनत मशक्कत करता है, सर्दी